हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। हेड इंजरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको बताएंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। हो सकता है आपने पहले सुना हो या ना भी सुना हो। इसको हम बोलते हैं मोनरो कैली डॉक्ट्रिन। यस, मोनरो कैली डॉक्ट्रिन एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको किसी भी पेशेंट को अगर आप डील कर रहे हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जिसको हम बोलते हैं TBI या फिर हेड इंजरी पेशेंट्स को, तो आपको इस कंसेप्ट का पता होना चाहिए। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर एक टाइट कंटेनर के अंदर है, नहीं तो उसमें हम कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं, ना ही वहाँ से कोई चीज़ हम निकाल सकते हैं। जिसमें सेरेब्रल टिश्यू है हमारा वो 75% है, CSF 10% है और ब्लड बोथ वीनस और आर्टीरियल जो हमारा है टोटल 15%। सपोज किसी को ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये एक एग्जाम्पल है, ब्रेन ट्यूमर हो गया सेरेब्रल टिश्यू में और 75% का पोर्शन बिकम हो गया 80%, तो वो क्या करेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं CSF है, ब्लड है, उसको डिस्प्लेस करेगा। एग्जाम्पल सेकंड, किसी को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गया, ब्रेन इंजरी होने के बाद क्या हुआ, किसी को हेमाटोमा हो गया, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया या फिर हेमाटोमा हो गया, तो वो जो ब्रेन का टिश्यू है वो जो डिस्प्लेस हुआ वो रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो CSF और ब्लड है उन दोनों को पुश करेगा, जिसके कारण हमारा ICP रेज होगा जिसको हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा और बॉडी में काफ़ी चेंजेस आएंगे। जब भी रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर हमेशा डिक्लाइन होगा और रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर होने के कारण वॉमिटिंग आएगी, सीवियर हेडेक होगा, गिडीनेस होगी, सिक्स नाउ पैल्सी होगी, स्ट्रेबिसमस होगा और इसके अलावा परसिस्टिंग वॉमिटिंग और कई बार सीजर भी आ सकते हैं और GCS भी फॉल होगा, ग्लासगो कोमा स्केल भी, उसमें भी डिसओरिएंटेशन आएगा। तो मोनरो कैली डॉक्ट्रिन एक बेसिक प्रिंसिपल है और एक एडवांस इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप किसी भी पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं तो आपको यू मस्ट नो अबाउट मोनरो कैली डॉक्ट्रिन। सो कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप शेयरिंग द थिंग्स। कंटिन्यू विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। थैंक यू वेरी मच।